तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि तांत्रिक माया जाल को वापस कैसे करना है, इसके लिए कौन सा मंत्र है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के शुरू में ही मंत्र है, तो मंत्र को आप सुन लीजिए। मंत्र है, ओम एक ठोस सरसों सौला राई, मोरो पटवल को रोजाई, खाए खाए बड़े भार, जे करे ते मरे, उलट विद्या ताही पर परे, शब्द साँचा पिंड कांचा, हनुमान का मंत्र साँचा, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। यह मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र को कैसे करना है, यह विधि सुन लीजिए। इसका विधि है, आजकल तांत्रिक माया जाल का प्रचलन अधिक से अधिकतम होता जा रहा है दोस्तों। अंत इस झंझट से छुटकारा पाने के लिए थोड़ी सी राई तथा सरसों तथा नमक मिलाकर आपको रख लेना है। इसके बाद इस मंत्र का जाप करते हुए 7 बार रोगी की उतारा करना है। फिर जलती हुई भट्टी में यह सामग्री झटके के साथ झोंक देना है, सारा माया जाल तुरंत वापस लौट जाएगा दोस्तों इस प्रयोग के द्वारा। तो दोस्तों, दूसरा प्रयोग है मुठ निवारण मंत्र। इसको कैसे करना है, इसे सुन लीजिए। लगातार 7 मंगलवार को इस मंत्र का आपको 21 बार जप करना है। ऐसे करने से मंत्र सिद्ध हो जाएंगे दोस्तों। मंत्र है, काला कलवा 64 वीर, मेरा कलवा मारा तीर, जहाँ को भेजी वहाँ को जाए, मांस मच्छी को छुअन न जाए, अपना मारा आप ही खाए, चलत बाण मारू उलट मारू, मार मार कलवा तेरी आस, 4 चमुखा दिया न बाती, जा मारू वाही की छाती, इतना काम मेरा न करे तो, तुझे अपनी माँ का दूध हराम। यह मंत्र है दोस्तों। मंत्र जप करते समय गूगल की धूप देना है और चौराहे अथवा घाट पर 4 बत्ती का दीपक रख देना है, मतलब रख के आ जाना है। इस दीपक के साथ ही फूल और मिठाई भी रख के आना है आपको। जो व्यक्ति मूठ से पीड़ित है उसे इसके निवारण है तो इस सिद्ध मंत्र से झाड़ना है और भभूति को खिलाना है। इसी मंत्र से अभिमंत्रित गंडा को पहनाना है और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को दीपदान भी करना चाहिए। इस प्रकार मूठ की बाधा का निवारण हो जाएगा दोस्तों। इस मंत्र के साधक पर मूठ आदि का कोई प्रभाव नहीं होगा।